नमस्कार भाग्य चक्रर आज अध्याय को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मुशोभना। बाहागर पई बेले बेले अनेक लोक चिंतित होई थांती काहेकि ना बेल गड़ी जाई थाए, समय गड़ी जाई थाए, बयस चली जाई थाए, हेले भी तांकर बाहागर ठीक जगार हेई पारु न थाए। किंतु पूरा विपरीत मध्य बहुत जगार किछि किछि घटना देखिबा को मिले। इच्छा नथिले भी किंबा भल सुविधा थाए कि कम बयस रे बाहागर हेई जाए। बेले बेले आमे पचारु जे आपणकर झियो बाहागर एते शीघ्र करि देले जे तेबे बापा मा कुवंती हां भल प्रस्तावटे आसिला आमे छाडीबा को चाहिलुनी। किंबा पुओ मानक केस रे भी एमती हुए जे कुवंती हां 25 वर्ष ऊपर को पुआटे बाहर ले भल लागंता, किंतु 22-23 वर्ष रो आपण को पुआ बाहर रही जाय छी। हां आज्ञा पाठ पढतिले मिसी की बाहर कर देलु, आमे भी फ्री, सेमाने भी आराम रे तांको जीवन आरंभ करिसेंती। ताले आमे एटी प्रश्न पचारिबु कोन पई कम बयस रे बाहर हे जाय, माने जातक देखिले आपण जानि परिबे की जे कम बयस रे बाहर होबार किछि संभावना अछि। एई विषय रे आज आलोचना करिबा भाग्य चक्र रो अध्याय रे। आम सहित आज उपस्थित अछंती ओडिसा रे घरे घरे परिचित ज्योतिर्वि डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, आसंतु तांकु स्वागत जणाइबा। सर नमस्कार। नमस्कार। भाग्य चक्र रो आज रो अध्याय को आपन को बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर बाहागर ना सुनिले बहुत लोक खुशी हे जांती, आउ जेति कि लोक बाहागर साइड रे थांती समाने बरजात्री रे नाचिबा पई भोजी खाइबा पई भी खुशी हे जांती। किंतु बेले बेले एमती हुए जे जाहार भोजी खाइबा को अपेक्षा करथिबे लोक डेरी हे जाय, आउ बेले बेले भोजी आशा करिया पूर्वरो ही मिली जाय। ताहाले जातक रे कोन देखिले जणा पड़े जे हां हमको शीघ्र बाहागर भोजी टी मिलिबा को जाउची। ए विषय रे आज आलोचना आरंभ करबा। हां निश्चय आज्ञा। तबे आमे आज आलोचना करूचु जे अल्प वयस रे विवाह बा कम वयस रे विवाह। अनेक समय रे अनेक पितामाता चिंतित थांती पुओ बा झियंकर विवाह परिणत बयस बीती जाई थाए, मात्र विवाह रही पार न थाए। पुओ केमिति राजी हबो, पुओ राजी होउ नै, झियो राजी होउ केमिति, राजी होउ नै बा पुओ झियो राजी किंतु सेमानक पई जेते प्रस्ताव आसुची विवाह स्थिर होई पार नै। तो तांकर गोटे फ्यूचर लाइफ को नै करी, मैरेज लाइफ को नै करी गोटे अनसर्टेनिटी भितरे, अनिश्चितता भितरे पितामाता गति करू थांती। किंतु अनेक समय रे जहार जहाँ पाई आमे चिंता करि न थाउ, विवाह कथा भाबी न थाउ, हठात प्रस्ताव आसे, प्रपोजल आसे एवं चट मंगिनी पट विवाह हो जाए, माने सांगे सांगे निर्बंध बाहागर अचानक भाव रे हो जाए। तेबे यथा समय रे विवाह बा परिणत बयस पूर्वरु विवाह, अल्प बयस रे विवाह आमे केमिति जातकरु जानिबा, एथिपाई जातक रे लग्न रो 7th हाउस सप्तम भाव भेनस बा शुक्र, पंचम भाव पंचमाधिपति एवं लग्नाधिपतिर आम विचार को नहीं था। जदि जनक जन्म जात करे शनि शुक्र एकत्र भाव रे भाग्य स्थान बा नवम स्थान रे अछंती, चंद्रमा तृतीय रे अछि, शनि आ शुक्र नवम रे अछंती, चंद्रमा तृतीय रे अछि, तार नवम तृतीय पूर्ण दृष्टि अछि, किंबा ठीक यार अपोजिट शनि शुक्र अछंती जातक रे तृतीय रे एवं आपणकर चंद्रमा अछि नवम रे, ताहले कौन हम एपरी स्थिति रे अनेक जातक देखा जाइछि अल्प बयस रे विवाह रही था। कन्याटीर 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष 21 वर्ष भितर विवाह हो जाइछि, पुओटी से भली 24 25 22 रु 25 भितर तार बाहागर सरी जाइछि। यथा समय रे विवाह आज समय को जो देखिबा जेतेबेले शास्त्र लेखा जाइथिला सेतेबेले तो बाल्य विवाह होतला, बा गोटे 14 15 वर्ष पूर्वरु बाहागर बाहागर होतला। किंतु वर्तमान समय रे विवाह जदि सठिक समय देखिबा झियोटीर जदि 22 रु 25 भितर गोटे झियो विवाह होची तर सठिक समय 25 26 पर्यंत सठिक समय झियोटीर, आ पुओटीर 25 बा 26 रु जदि 30 भितर बाहागर होगला तले सठिक समय रे विवाह किंतु स्टैंडर्ड टाइम। जदि झियोर सेठी 18 19 20 21 भितर होगला, 20 भितर होगला, 21 भितर होगला, बा पुओर से भली पूर्वरु 22 23 25 भितर होगला, ताले आमे कहबा अल्प बयसर विवाह होगला। आज्ञा। जदि जणको जन्म जात करे गोटे पुओर जन्म जातक जो कथा मुझे कहली शनि शुक्र एकत्र थाई चंद्रंक दृष्टि एवं मंगल शुक्र एकत्र थाई शनि दृष्टि थाए, ताले शीघ्र विवाह होवार संजोग जातक सृष्टि होता है। लग्नर विवाह विषय आम आलोचना करवा लग्नर सप्तम भाव 7th हाउस, जदि जनक सप्तम स्थान रे सप्तम भाव रे जदि चंद्रमा शनि सहित युक्त होई एवं सप्तमाधिपति जदि लग्न तृतीय रे बसी मन रखु चंद्रमा लग्न सप्तम रे संयुक्त होती सप्तमाधिपति ग्रह लग्न थर्ड हाउस तृतीय भाव में बसी ताहले विवाह शीघ्र हो जाए बा अल्प बयस विवाहर हो जाए। एवं शीघ्र विवाह हाँपाई अनेक समय अनेक गुड़िए ग्रह दशा दायी था, किसी ग्रह दशा शीघ्र बहुत दायी था। उदाहरण स्वरूप आम कह
जनक जातक शुक्र रे शनि चली सप्तमाधिपति दशा रे शुक्रंकर अंतरसा चली ताले एथि कोन हुए एटी विवाह डायरेक्टली नहले मध्ये गुटे लव अफेयर सेठी सृष्टि हेथाय गुटे झियोटी गुटे पुओ को कॉलेज रे पाठ पढला बेले पसंद करे बा पुओटी टीन एज रे पसंद करे एवं से टीन एज रे जो पसंद से टीन एज रे मैरिज भी कन्वर्ट हे जाय बा बेले बेले टीन एज रे भलो पाइबा हुए बा से माने विवाह पई प्रतिश्रुतिबद्ध होंती सेटा ही वन टाइप ऑफ कमिटमेंट बा विवाह बोली करिया जदे प्रैक्टिकल विवाह हे ना हां माने घरे कहि कि रखि देले कि घर लोक मान जाय मान गेले से विवाह न होले मध्ये वन टाइप ऑफ सेटी कमिटमेंट तंग रह गेला विवाह पई बा निर्बंध स्थिर कर रखि देले एंगेजमेंट स्थिर कर रखि देले ये मध्ये शीघ्र विवाह रे जीव बा देखिया को मिलि वर्तमान समय रे पुओ माने जति को स्वावलंबनशील होबा को चाहु चंती जियो माने मध्ये स्वावलंबनशील होबा को चाहु चंती से माने मध्ये चाहु चंती हमर गो भलो जॉब दरकार आजिकल झील मैंने कैरियर ओरिएंटेड बहुत है हवा उचित कहना बर्तमान जो तेल लुण संसार में स्वामी स्त्री जदि उभय कर्म करुवे ताल हे तो जीवन रथ सांसारिक डंगा को आग को आगे हवारे सुविधा हम सहयोग मिल तेब जदि आम कह शीघ्र बहुत कारकत्व ग्रह शुक्र दायी था शुक्र बहुत कारक ग्रह एवं सप्तमाधिपति होती बहार अधिपति जदि जनक जन्म कुंडली जदि जनक जन्म जातक शुक्र शनि सहित युक्त हो पंचम स्थान रे सप्तम स्थान रे नवम स्थान रे थाए एवं सप्तमाधिपति सेवेन्थ लॉर्ड जदि गुरु दृष्टि थाए ताहले मध्यम विवाह शीघ्र अल्प बयस विवाह शीघ्र करि थांति नॉर्मली शुभ ग्रह माने यथा शुक्र बुध बृहस्पति जदि तीनोटी एक ग्रह जातक सप्तम स्थान को भल दृष्टि सप्तम आधिपति सहित भल स्थित रिलेटेड अच्छा शीघ्र बहुत बा अल्प बयस बहुत हबार संजोग सौभाग्य प्राप्ति होता है किंतु वर्तमान जो कहा जाए जे विद्या होची जुग उपयोगी जुग को चाहिए विद्या तेणु जो समय शास्त्र लिखा जाता बाल्य बहुत था युड़ संपूर्ण बाल्य बहुत उपर पर्यवेक्षित आज समय से गुड़िक 22-23-25 वर्ष शीघ्र बहुत किंतु वर्तमान समय को जदि देखा जाउची अधिकांश समय एक देखा जाए जे विवाह नहले जनक सहित एफेयर बा संपर्क गढ़ी उठे भल पाइबा गढ़ी उठे एवं पुओ झी कमिटमेंट हो जाती वन टाइप ऑफ विवाह बोली कहा जाए किंबा आम चिन्हजना प्रस्ताव रे दूर संपर्क कौन सी बंधु से कहते तुम झील बहुत सुंदर लगुच मो पुओ पई रहिला आउ याकु निश्चय विवाह करे प्रस्ताव देखिबे नि गुटे कमिटमेंट हो जाए ताहले मध्ये ये गुटे शीघ्र विवाह जग को क्रिएट कला बा जातक रहिला तबे शीघ्र विवाह हो कि विलंब विवाह हो मुख्यतः वैवाहिक जीवन सुखप्रद होगा दरकार यथा समय बहुत ओवरऑल आम जानवा किपर जनक जातक वैवाहिक जीवन सुखमय हम जो सप्तमाधिपति भाग्य थे सप्तमाधिपति भाग्य स्थान में थे वैवाहिक जीवन सुखमय हम सप्तमाधिपति उच्च अच्छा वैवाहिक जीवन डेफिनेटली सुखमय किंतु बेले बेले एमती हुए जे कम बयस बाहर किंतु बाहर सक्सेसफुल हुए तो जातक कौन से जिनसा भी जना पड़े आदि जना पड़े जे आग को पिलार बाहर शीघ्र हो बट भांगी कि विधवा दोष एमती किसी दोष रुहे प्रतिकारा केमती करेंगे आगर निश्चय प्रथम कथा हूँ बर्तमान जो समय अनुजाई शीघ्र बहुत करवा तो आद ठीक नुह कारण बर्तमान पुओ बा झीओ एजुकेशन कम्प्लीट कला बेलू 24-25 वर्ष उपरको निश्चय मैंने कहना मेट्रिक जो बर्तमान दौरान 16-17 वर्ष दौंती बोर्डिंग स्कूल पढ़ले से 12 परीक्षा दौदू सेमती है मानते पाखापाखि 18-19 एजुकेशन रहा तेना नर्माली जो देखा 25-26-27 वर्ष पर्यटन भी हायर स्टडी तेज पुओ झी परस्पर को भल पाँच स्कूलिंग समय कह हायर स्टडी समय लाइक करुँचर मेच्योरी आसी ना मानसिक परिपक्वता आसी ना मानसिक परिपक्वता इनमेच्योर माइंड अच्छा परस्पर कौन सी दुर्बल मुहूर्त भल पाई पिता माता यदि तरबर ही बाहर करदे कि तरबर ही बाहर बहुत होगले बहुपति निष्पत्ति ने हे तो परवर्त समय भितर से बंडिंग न रही पारे आग परस्पर को बुझा दरकार विचार करने दरकार कितक क्षेत्र में बंधु बांधव क्षेत्र में भल जॉइंट मिली हाथ छड़ा काले आम संपर्क ये बाहर कहीकि पिलाटी इच्छा नथिबो झीओटी जबरदस्त सहित बहुत करवा परवर्त पर्याय परवर्त समय आइडियोलोजी जो मैच न कर बहुत विच्छेदर कारण हो पाए तेणु अल्प बयस बहुत आद ठीक नुह
यथा परिणत बयस बहुत हाँ ठीक विलंब बहुत मध्य ठीक नुह कारण अनेक समय आम देखू अनेक लोकर मेन्टालीटी था लेट मैरेज कर पिता माता ना कहीं कैरियर चक्कर में आग गोटे गोटे एस्टाब्लिशमेंट पॉइंट को आम आस एस्टाब्लिशमेंट कैरियर करूँ बहुत करूँ पुओटे जो 40 वर्ष पर बहुत कर 38 वर्ष पर बहुत कर झीटे बहुत करू करू जो 34-35 हम ताल वैवाहिक सुख आ रही ना ये हूँ प्रथम कथा। द्वितीय कथा आजिका समय रे लेट मैरेज बहुत घटना आसुची परवर्त इश्यू हूँ संतान संतुतिर समस्या रोच कनसीव कर समस्या रोच कारण मेडिकल ये भी जो आम देखा जदि गोटे झीर माने ग्रोथ अधिका है तार माने से मोटा अधिका हो गला तार यूट्रस चर्बी बहुत डिपोजिट हो जाए यूट्रस स्पेस कमी जाए जो कनसीव कर गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम हुए तेणु ये सब जिन सब चिंता करी जथा समय बहुत सदा बेले स्वागत योग्य बहर विलंब अच्छी विलंबर भी गोटे लिमिटेशन अच्छी विलंब गोटे पुओटी अति बेसी पुओटी बहुत 34-35 पर्यंत विलंब तो अलरेडी है जातक हिसाब से शास्त्र हिसाब से 30 क्रस कले डेफिनेटली विलंब झीटे जो 28 क्रस कले विलंब झीटी अति बेसी विलंब हो 32 पर्यंत कले चलो पुओटे विलंब हो 34-35 पर्यंत कले चलो से पर्यंत चलो तापर विलंब करवा आद ठीक नुह यथा समय बहुत सदा बेले स्वागत योग्य यथा समय बहुत झीटर 24-25 रु 27-28 वर्ष भितर यथा समय पुओटर से 27-28 रु 32 भितर यथा समय अच्छा ठीक अच्छे सर तेरे आपड़ आज बहुत प्राक्टिकल टिप्स गुड़े देखते खाली एत कहीं केमी जातक देखने जना पड़ कम बयस बाहा किंतु प्रत्येक बापा माँ जो मैंने आमको देखुं टीप टी निक्टिवली इम्प्लीमेंट करूँ निज लाइफ पिलांर अनिच्छा कि जो जगह को आज ठीक से जाणी ना जो पात्र को ठीक से आज जाणी ना हाथ में निज पा टेकी दिंतु ना भले बैकग्राउंड स्टडी करूँ समय दिंतु जातक मेलक करूँ आम कहू आदर्श जातक मेलक करतापर जा बाहर को आगे जातु तेरे आज अध्याय को ये रखा भवानी सर को जिते धन्यवाद दे सर ना कि तथापि आपण तरफ आम धन्यवाद जनइबू कहीं आम धन्यवाद पर्व जारी रुआ नुआ विषय वस्तु आसवा जारी रर आमको समय देवा जारी रर आज अध्याय आपको धन्यवाद जनाऊु खूब शीघ्र आउ गोटे अध्याय देखा धन्यवाद आज्ञा नमस्कार सर तेरे दर्शक बंधु पुणी नुआ टपिक आम रेडी करूँ आम सब चिंता करुचु आपको हेल्प कला भाया टपिक कौन हो पार सेमती गोटे टॉपिक नहीं कि जल्दी आसबू भाग्य चक्रर आज अध्याय आमको विदाय दिंतु नमस्कार। जदि आपण जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पर आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।